अमर ऋषि अपने भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए भाग रहे थे और महामाया उनके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन भगवान विष्णु जैसे ही सामने आए और अम्बरीश को भागते हुए देखे तो उन्होंने अम्बरीश को भागते रुक जाते और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर कहा महामाया पीछे आ रही थी। उसने देखा तब सुदर्शन चक्र पूछते हैं हे माँ तुम बताओ दुर्वासा मासी ने तो श्राप दे दिया और तुम उसके पीछे अम्बरीश के पीछे उसकी गलती क्या था? क्या द्वादशी का व्रत तोड़ना पानी पीना गलत है? क्या तुम उसे मारने जाओगे? दुर्वासा का श्राप ठीक है? तो महामाया विचार में पड़ गई। उन्होंने कहा उसने जो छुड़ाया मुझे क्या करना है? तो यहाँ जो जंगल है वृक्ष है तुम तुम्हारा प्रताप उस पर बता दो मैं दुर्वासा को देख लेता हूँ। तब महामाया ने कहा कि हाँ मैं इस जंगल को पूर्ण जलाकर मैं यहाँ स्थापित हो जाती हूँ और वो भूमि स्थापित हो गई और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा महामुनि के पीछे था। दुर्वासा महामुनि भागते भागते गए सारी जगह कहीं भी गए उनको कोई श्राप का विमोचन नहीं मिला। तब विष्णु ने कहा कि तुझे अगर श्राप विमोचन करना है तो अम्बरीश राजा के पास ही जाना होगा। दुर्वासा महामुनि भागते हुए अम्बरीश महाराज के पास आए और कहा मुझे गलती हो गई मेरी क्षमा कर दो तू सुदर्शन चक्र को दो नहीं तो वो मुझे जला देगा वो मुझे खत्म कर देगा। अम्बरीश ने प्रार्थना की महाराज आप मेरे अतिथि हैं मैं सिर्फ भगवान विष्णु से एकादशी का व्रत के लिए मांग रहा था मुझे आपको मारने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और कहा कि हे सुदर्शन चक्र आप मेरे लिए महर्षि दुर्वासा को छोड़ दो और महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र वहीं जल का पुनः निर्माण हुआ और उसमें जल में सुदर्शन चक्र स्थापित है। आज भी अगर कभी आप वाराणसी जाते हैं तो वहाँ भगवान भगवंत विष्णु का मंदिर है और सुदर्शन चक्र पानी में आज भी घूमते रहता है उस जल में। तो वह जो महामाया शक्ति थी जिसने जो दुर्वासा महामुनि छोड़ी थी वह आज इस जंगल में यहाँ जो भूमि में स्थापित होती जब तक महामाया का मंदिर जमीन में था यहाँ की स्त्रियों पर बलात्कार आक्रांताओं का बहुत ही उनके पुरुषों पर बहुत प्रकार का आक्रमण था उनको मार देते थे और यहाँ की स्त्रियाँ सती जाती थी। बहुत सारी स्त्रियाँ सती जाती रहेंगी तो यहाँ के राजा जो रत्नपुर के थे उन्होंने प्रार्थना की कि माँ ये कब इन स्त्रियों का यह जो कष्ट पहुँचा रही है जो सती जा रही है इनकी रक्षा कैसे होगी? तब महामाया ने कहा कि मैं यहाँ भूमि में स्थापित हूँ अगर तू ऊपर निकालता है तो इसके बाद कोई स्त्री सती नहीं जाएगी और मुझे मैं तेरी शक्ति बनकर उभरूंगी तू यहाँ मेरे से बाहर निकाल और मेरा मंदिर मान। इस प्रकार महामाया जो उस समय दुर्वासा महामुनि की छुड़ी हुई थी उस भूमि में थी और उस राजा ने उस महामाया के मंदिर को उत्थान किया उन्होंने देखा और यहाँ महामाया मंदिर की स्थापना हुई। उस महामाया मंदिर की स्थापना होने के बाद जैसे देवी भाग में कहा गया है वह तीनों शक्तियों से संपन्न थे महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली। आज आप देखते हैं महालक्ष्मी महासरस्वती और भद्रकाली के रूप में यहाँ तीनों शक्तियों में महामाया के रूप में यहाँ स्थापित हैं और इनकी आराधना सब लोग यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए या नवारण मंत्र करते हुए इसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या महामाया मंत्र का ऐसी दुर्गा समाज ने जो महामाया को छोड़ा था क्या वो नवारण मंत्र था? क्या महामाया की स्थापना की थी वो कौन सा मंत्र था जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ की यह महामाया मंदिर दिव्यता के साथ है और यहाँ ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको जिससे महामाया प्रसन्न हो सकती है? छत्तीसगढ़ के राजा को भी यह बात आई तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा? तब उन्होंने कहा कि देवी भागवत में या अपने महाभगवत मद्भवसीमत भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण मथुरा में रहकर जरासंधारी राक्षसों के साथ बहुत परेशान हो गए थे वो लोग रोज रात में माया से आकर मारते थे तो बलराम और श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि ये सब कैसा हुआ? मेरे राज्य में अकारण हमारे दोनों के कारण यहाँ की जनता मर रही है। तब उन्होंने महामाया की प्रार्थना की तब महामाया ने कहा कृष्ण मैं यहाँ जमीन में गड़ी हुई हूँ तू अगर छत्तीसगढ़ के यहाँ तू इस कलयुग में जगन्नाथ रूप में जब लेगा जगन्नाथ रूप में अवतार करेगा तब अगर तू यहाँ आता है तो मैं यहाँ तुझे उस सिद्धि को प्रदान करती हूँ जो सिद्धि प्रदान की है। तब श्री कृष्ण भगवान ने महामाया की स्थापना महामाया की और अपने गुरु सांदीपनी महामुनि जो अमरकंटक के पास जिनका आश्रम है कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि है जिनका आश्रम अमरकंटक के पास है
उस संतप्रिय महामुनि को उन्होंने पूछा कि इस महामाया क्षेत्र को किस प्रकार करने से एक उज्ज्वलता श्रेष्ठता आएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा यह बहुत रहस्य की बात है, किसी को बताना नहीं। जो महामाया का यंत्र यहाँ के लोग उस महामाया के विशिष्ट मंत्र के साथ पूजा करते हैं या जो स्त्री पूजा करती हैं वह सौभाग्यवती ही जाएगी, उसको कभी असौभाग्य या वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और उसके साथ उसका पति सुख के साथ जीवन करेगा, उसका घर में से सारे सुख प्रदान होंगे। तब कृष्ण ने महामाया का आह्वान किया और कहा महामाया मैं चाहता हूँ कि मथुरा के लोग ये जरासंध आदि राक्षसों के साथ रोज पीड़ा प्राप्त करते हैं और हमारे कारण ही इनको पीड़ा होती है, आप कुछ न कुछ करके इनकी रक्षा करो। तब महामाया ने कहा मैं तुझे यंत्र देती हूँ उस यंत्र से और तो उस मंत्र का तू एक दिन रात में तू और बलराम दोनों जप करो, मैं तुम्हारे सभी लोगों की रक्षा करूंगा। कृष्ण और बलराम जी ने उस यंत्र को रखकर महामाया का मंत्र किया। महामाया का मंत्र करने के बाद उन्होंने महामाया से प्रार्थना की कि माँ हमारी रक्षा करो। तो मय नाम का एक राक्षस था जो राक्षसों का शिल्पकार कहे से हम विश्वकर्मा कहते हैं, देवताओं के शिल्पकार हैं, वैसे राक्षसों में भी शिल्पकार था जिसका नाम था मय। माँ महामाया ने मय से कहा कि मेरा कृष्ण मेरी भक्ति कर रहा है, वो महामाया का मंत्र जप कर रहा है, उसकी यंत्र की स्थापना है, उसके पास से वो यंत्र लेकर तू आकाश में उड़ जा और जहाँ कृष्ण के लिए एक ऐसा गांव बसा दे, ऐसा शहर बसा दे, ऐसा नगर बसा दे जहाँ कोई राक्षस आ नहीं सकता, जहाँ मेरा यंत्र है वहाँ राक्षस का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसी जगह तू बसा ले। उस मय ने उस श्री कृष्ण और बलराम की स्थापना की, उस यंत्र को हाथ में लिया और वे जैसे ही आकाश में उड़े उन्होंने वहाँ से देखा कि द्वारका ही एक ऐसी चीज़ है जो समुद्र से घिरी हुई है और समुद्र के बीच किले में उन्होंने द्वारकाधीश का उस शहर उस नगर को स्थापन किया एक ही रात में स्थापना किया। तब कृष्ण जब प्रार्थना कर रहे थे तो महामाया ने कहा हे कृष्ण तू बोल कि तेरे शहर में तेरे नगर में मथुरा में जितने भी लोग हैं उन गोपिकाओं को उन सभी को बोल कि महामाया का मंत्र कर, जो महामाया का मंत्र करेगा वह कल सुबह तक सुरक्षित हो जाएगा। सब लोगों को आश्चर्य कैसे सुरक्षित हुआ और उन्होंने उस रात में उस महामाया के मंत्र का उच्चारण किया और सुबह जब आंख खोल कर देखते हैं तो अरे सारे मथुरा के लोग द्वारका में थे। द्वारका कहाँ है? गुजरात में, और मथुरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उस महामाया की इतनी श्रेष्ठता थी कि वे सुरक्षित हो गए और कृष्ण भी निश्चिंत हो गए कि अब राक्षसों का अवग्रह मैं मथुरा जरासंध आदि को मैं देख लेता हूँ। और उन्हें जरासंध आदि का कैसा मारा कि भागवत में उसकी कथाएं हैं, भीमसेन जी ने मारा है उनको, कैसा मरवाया, ये सारी बहुत बड़ी कहानियां हैं, वो बात अलग। लेकिन यह महामाया की वो श्रेष्ठता थी जिसके उपासक भगवान श्री कृष्ण भी थे और उन्होंने अपनी जनता की रक्षा की थी। तब महामाया ने कहा कि इस यंत्र की जो अपने घर में रख के पूरा करता है वह अपने गांव का अपने शहर का श्रेष्ठ राजा कहलाया जाएगा, जो इस मंत्र को करता है उसको राज्य पद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तब महामाया की इस आशीर्वाद से उस यंत्र की कृपा से जो महामाया ने कृष्ण को दी थी आज तक अगर मैं ठीक हूँ मैंने अगर झूठ नहीं कहता तो यहाँ सभी आप लोग हैं तो आप लोग बताओ कि क्या यहाँ महामाया देवी का कोई यंत्र आज तक यहाँ किसी ने दिया है या आपने लिया है या छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी लोग हैं और आपको नवरत्न मंत्र को छोड़कर किसी ने महामाया का मंत्र दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसे मुझे ढूंढने के लिए महामाया क्षेत्र को या इसकी महत्ता को देखने के लिए मुझे बहुत एक प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें ढूंढनी पड़ी, पढ़ना पड़ा। जब मुझे इसका आनंद हुआ, कहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, छत्तीसगढ़ के लोग बताएं यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो उस जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद यहाँ की स्थापना और महामाया के मंदिर के क्षेत्र का दिव्यता बढ़ी और जो इस महामाया छत्तीसगढ़ लोग हों जितने भी राजा यहाँ हुए जिन्होंने भी उस महामाया यंत्र को रहस्य के साथ अपने स्थापन किया इसलिए छत्तीसगढ़ हो गए यहाँ और छत्तीस राजा अपना राज्य करते हुए जीवन बिताते थे। तो उस दिव्यता को उस यंत्र की श्रेष्ठता किसी ने किसी को नहीं बताई और वो उस मंत्र को भी किसी ने किसी को नहीं बताया। आज शुक्रवार का दिन है जो राक्षसों के गुरु शुक्र जी का वार है और आज माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज हम ऐसे ही महामाया का क्षेत्र में आए हैं और पहली बार महामाया का यंत्र और महामाया का मंत्र मैंने हम साधकों के लिए जो यहाँ आए हैं वे दिव्यता को प्राप्त करें। जो राज्य की प्राप्ति चाहते हैं, जो धन की प्राप्ति चाहते हैं, जो ऐश्वर्य चाहते हैं
उस निश्चित रूप से उस साधना को संपन्न करें और देखें कि मैं कभी अगली बार आऊं तो आप कहें कि हमने उस साधना को किया है। प्रभु हम गरीब नहीं है, हम दरिद्र नहीं है, हम दुखी नहीं है, एक बात आप कहें मैं मानता हूं कि मैंने ये साधना और यह श्रेष्ठता के साथ आपको प्रदान किया। मैं पहले गुरुपद का सिद्धि दिवस का वह आज की विशेषता की पदकों का पूजन आपके साथ संपन्न करूंगा। उसके बाद उस महामाया मंत्र को और उस महामाया यंत्र को केवल क्योंकि वो रहस्यमय है पूछने पर ही दूंगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं कि महामाया हम दिव्यता का जीवन चाहते हैं, हमारे घर में सुख शांति चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, हम एक प्रकार की श्रेष्ठता चाहते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं, कोई लोगों को यंत्र मिलेगा महामाया का। इससे पहले हम गुरुपद का सिद्धि दिवस है कहते हैं कि सायं समय में ही गुरुपदकों का पूजन करना चाहिए। सुबह से हम जितना भी हो सके हमारे से स्नान आदि से शुद्ध होकर आकर सफेद वस्त्र पहनकर गुरुपादुकाओं का आज पूजन कर जो अपने घर में गुरुपादुकाओं की स्थापना करता है उसको हर वर्ष उस गुरुपादुका को इन गुरुपादुका सिद्धि दिवस के दिन जो उसी मंत्र के साथ पूजा करता है उसके घर में गुरु की स्थापना निश्चित रूप से होती ही है, ऐसा कहा गया है। अभी मैं आपको एक 15 मिनट का समय देता हूँ। जिनके पास गुरुपादुकाएं नहीं है या गुरुपादुकाएं नहीं है वो सब ला लें और मेरे साथ गुरुपादुकाओं की का पूजन संपन्न करें और अपने घर में गुरुपादुकाओं को आज के दिन मार्गशीर्ष द्वितीया को स्थापित करें और वो सिद्धि प्राप्त करें कि तुम्हारे घर में गुरु जी का वास है ये आप अनुभव करें। ऐसी ही इच्छा रखता हुआ पहले गुरुपादुकाओं का मंत्र और साधना आपके साथ करवाऊंगा, मैं भी आपके साथ करूंगा। आप सभी लोगों को 15 मिनट का समय देता हूँ गुरुपादुकाओं के यंत्र बुला ले, तब तक मैं यहाँ तैयारी करता हूँ। पहले गुरुपादुका सिद्धि दिवस की पूजा और मंत्र उच्चारण और साधना संपन्न होगी। आप सभी लोग तब तक 5 माला गुरुमंत्र जप करें जो कर रहे हैं, 5 माला गुरुमंत्र जप करें और उसके बाद गुरु पादुकाओं को लाकर आपके सामने रखें और उस पादुकाओं की पूजा करें जो आपके गृह में स्थापना करना चाहते हैं। मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ। आपने सभी लोगों ने तो गुरुमंत्र दीक्षा की दीक्षा ली ही होगी, नहीं लिए हैं तो मैं गुरु पूजन करते समय आपको गुरुमंत्र की दीक्षा प्रदान करूँगा। आशीर्वाद देता हूँ कि आप गुरुमय हो, गुरु जी आपकी गुरु जी का आपके में वास हो और आप जो भी साधना करते हैं उस साधना की श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो। ऐसा ही हम आज के दिन यहाँ जब आप आए हैं तो इसकी विशिष्टता आप प्राप्त करें। मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ। गुरुपालकाओं का पूजन का विधान यहाँ आपके सामने बैठकर ही मैं संपन्न करूँगा, आप मेरे साथ संपन्न करें।